हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यासी एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। मेरा मन किसी तलाश में था और दिल को तरह तरह के शक घेरे हुए थे, परमात्मा की आशा भी थी, इसीलिए मैं जगह जगह घूमता फिरा। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गाँव पीछे छूट गए, पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की वैभव संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार हर की पैड़ी, पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु संन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। लेकिन मेरा मन तो बड़े बड़े पेचीदा सवालों का हल चाहता था। इसी मौके पर मेरी मुलाकात हो गई एक स्वामी जी से। आप तो तीर्थ करने नहीं आए, आए हैं शौकिया। अगर शौक चल रहा है तो कलकत्ते बंबई के चक्कर काटिए, बद्री केदार को क्यों छेड़ते हैं? क्या बद्री केदार पर गेरुआधारियों का इजारा है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं कहता। बात यह है कि आप लोग ठहरे गिरस्त। अच्छा, गिरस्त यानी आपके बदन पर रंगीन कपड़े हैं, इसीलिए आप सन्यासी हैं? आहा, ये मतलब नहीं, ये मतलब नहीं। सन्यासी होने के लिए जंतर चाहिए, मंतर चाहिए, तपस्या चाहिए। बस आप लोगों की वजह से ही हम लोग बदनाम होते हैं। भेष बदल डालिए, बदनामी मिट जाएगी। स्वामी जी। ओ, आया। वो लोग आगे निकल गए। हाँ चलो। क्यों जबरदस्ती लोगों को उपदेश देने जाते हो? मिल गया ना टकासा जवाब? वो सब तुम नहीं समझ सकती। अरे, ज्ञान की बातें बिना झाड़े लोग मुझे मानेंगे ही क्यों कर, और फिर चेला चपाटी ही कैसे जुटेंगे? जुटेंगे मेरे फूटे नसीब। कौन है ये सन्यासी? इसके साथ ये कौन है? मेरे लिबास की हंसी उड़ाता है। अच्छा, मैं भी गेरुआ पहनूंगा। हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़े पहले छुएगी। घबराइए नहीं, आइए, मैं आप लोगों का पंडा हूँ, हर तरह हिफाजत करूंगा। आइए। भैया, यहाँ से ऋषिकेश और वहाँ से देवप्रयाग बस में, इसके बाद पैदल चलना होगा। लीजिए महाराज, पाइए पाइए ना। ओम तत्सत। पहचान लिया, पहचान लिया। कहाँ से? इस मठ से। मठ? ओह, मैं मठ वाला साधु नहीं, आप? मैं ब्रह्मचारी। कोई पागल कहता है तो कोई बम भोला बाबा, लेकिन भेद की बात तो आप जानते हैं ना, सब माया है। बिना कर्म की फांस काटे मोक्ष नहीं मिलता। ओम नमो नारायणाय। कचरिया कहाँ गई? अभी आवी तो नहीं, उसने मेरे सर पर जाएगी। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से। ओह अच्छा,
मैं दाखला ढांढ रहा हूँ। मैं भी तो साधु हूँ, मुझे क्यों नहीं टिकट मिलेगा? आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? नहीं, नहीं। अरे भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, कोई चिंता नहीं, भगवान की कृपा अवश्य होगी। जय शंकर राम राम सब कोई कहे। हाँ पंडित जी, कहिए सब चल है ना? सब भगवान की दया है महाराज। बड़े खुशी की बात। अच्छा राम राम। हाँ देवी जी सुनिए, कल सवेरे ही हम लोगों को देव प्रयाग चलना होगा। जरूरी सामान वगैरह सब ठीक कर रखिएगा। कुछ घबराने की बात नहीं। क्या दिखाई नहीं देता? जरा देख के चलो भाई, जरा देख के चलो। नहीं मिली टिकट, नहीं मिली भाई साहब। काली कमली वाले का सदावरत बढ़ता है, साधु का भेक होए तो सबको टिकट मिलती है, एक मैं ही अभागा रह गया। बड़े अफसोस की बात है। क्या बताऊं, कितनी मुसीबतें झेल कर आया हूं, 600 मील पैदल चला हूं, पैदल भूखा प्यासा, बस यही आखिरी सात बाकी है, जरा दिलासा दीजिए भाई साहब। ओम नमो नारायण तत्सत। अच्छा अच्छा, रोना धोना बंद करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। ये बात मैं कहता था ना, भगवान पर भरोसा रखो तो सब मिल जाता है। अरे भगत को बिना दिए भगवान को चैन कहाँ। ओम तत्सत। पहचान लिया, असलियत खुद ब खुद अपने को जाहिर कर देती है। लाइए दीजिए चरणों की धूल। ये क्या करते हैं? गोपाल मोदी आदमी पहचानता है, अगर यही नहीं किया तो कलकत्ते की काली माई के चरणों में जिंदगी पार करना बेकार साबित हुआ। बूढ़ा आदमी ठहरा, इस पर साथ में गुड़ की भेलियां लादे फादे चला रहा हूँ। गुड़ की भेलियां? जी हाँ, वो देखिए, सफर में औरतें गुड़ की भैली के सिवा और क्या है। ढोए चलो, ढोए चलो। बूढ़ा आदमी, ख्याल रखना दादा भाई, अकेली जान और रास्ता बियाबान, बस तुम्हारा ही सहारा है। जरा अपने पुरखों के नाम धाम तो बताइए, अगर उनमें से कोई कभी यहाँ आया होगा तो हमारी बही में उसका नाम जरूर दर्ज होगा। हाँ, आपने अपना मकान कहाँ बताया? काली घाट। काली घाट, काली घाट कलकत्ता। लीजिए पानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत। कुछ फिक्र मत करो माज, कोई पड़ा नहीं रहेगा, सब लुढ़कते पुढ़कते निकल जाएंगे। जरा देखना भैया। मैं भला कौन हूँ? बाबा बद्रीनाथ आप देखने वाले हैं। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हरिओम तत्सत। पान नहीं पाइएगा? लो। कीजिए भाई साहब पान। आज अच्छी खासी सर्दी है, मगर यकीन मानिए सर्दी पड़ते ही मैं नशा नहीं करता। ये देखिए कब से टेंट में धरा है, नशे पानी की लत होती तो कब का काफूर हो जाता। बात क्या है? अजीब कुछ नहीं, सब धुआं है, धुआं नारायण की माया है।
असल बात बताऊं, पीता हूं इसीलिए पिए चलूं सो नहीं। अब फर्ज कीजिए कड़ाके की सर्दी पड़ गई, दांत से दांत का लोहा बजने लगा, सारी रात नींद नहीं आई। तब तब की बात दूसरी है, और फिर पीना ही कोई पाप थोड़े ही है, मानो तो पाप है नहीं तो और क्या। मैं क्या पहले कभी पीता था? सच पूछिए तो अपने राम को नशा पानी कभी जमा ही नहीं। ये तो आदत का नतीजा है, हैबिट, हैबिट इज द सेकंड नेचर। भाई साहब चलेगा क्या? आह ब्रह्मचारी क्या बात शुरू की है, अरे जरा सोने ही तो दो। हाँ 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 लीजिए ये लुढ़क रहा। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात, जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। पंच पांडवों ने जिस पथ पे किया महाप्रस्थान, उस पथ पे चल जो भी प्राणी उसका हो कल्याण, भूल जा तू जग की सब बातें भूल ना पद ये बात, हरि नाम सिमर राम नाम सिमर शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। हम लोग देवप्रयाग जा पहुँचे, छोटा पहाड़ी शहर। यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा, गोया दो बहने दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान तर्पण श्राद्ध मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। वो लोग भगवान के भक्त हैं, अनजाने तीर्थ की राह ने उन्हें पुकारा है, पुकारा है केदारनाथ ने, बद्रीनाथ ने, इस राह के कितने ही मंदिरों ने, लेकिन मैं क्यों आगे बढ़ा जा रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? तुम किस लिए तीरथ करने आए हो बेटा? मैं तीरथ करने तो नहीं आया। तो फिर इस बिहार रास्ते में किस लिए आए हो ए बबुआ? ऐसे ही सैर करने निकल आया। सैर करने? और दैया सैर करने के लिए और कहीं जगह ना मिले? ब्याह नहीं हुआ सो कहो। तो क्या ब्याह हो जाने से कोई इस तरफ नहीं आता? आता क्यों नहीं बेटा, बाबा बद्रीनाथ की दया से सब आते हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो खुद चला आता है। कहो तो। लेकिन जो बाबा की दया नहीं चाहता वो क्यों आने लगा? बाबा की दया नहीं चाहता? अरे ये तो मेरे छाए घोर नास्तिक है, इस आदमी के छाया छूना भी पाप है। नारायण नारायण जय बाबा बद्रीनाथ जय बाबा बद्रीनाथ जय बाबा। भाई साहब कोई बात नहीं, समझिया औरतों की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देनी चाहिए। मैंने तो सुने ही नहीं। नहीं सुनी और भी अच्छा है, मुझको ही लीजिए, मैं क्या सब कुछ सुनता हूँ, राम भजू, सुनने से कहीं चला है। हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया, फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते, और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहे थे।
इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे हैं। दर्द तो सबके पैरों में है, तो क्या इसीलिए पकाए खाएगी नहीं? तुमसे तो पकाए नहीं बनाते हैं। तो मर, कच्चा आटा फाक फाक कर ही मर। आप राजा आदमी हैं भाई साहब, बस मेरी वही एक साथ बाकी है, एक छोटा मोटा मठ मुझे जरूर खोलना है। मठ तो खोलोगे, मगर पूंजी? आपके रहते भला किस बात की कमी हो सकती है राजा जी? अरे आपका पैसा सो मेरा पैसा। राजा बेटा, चलो बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ बर्तन मलने के लिए नहीं, ये लो मैं सब मल दिया करूंगी। हाँ तो उस दिन क्या हुआ राजा भैया? अंधेरा घूप और पानी कहे आज बरस नू कल नहीं। मैं सोचने लगी, हाय मेरी जमुनी का क्या होगा? जमुनी कौन? गाय जी गाय। मेरी इंगला पिंगला कजरी कबरी सब ब्याई, मगर किसी की भेद। क्या बकवास करे है राजू की मटारी, इतना लाड था तो आई का है को। मैं इधर सर्दी के मारे ठिठुरी जा रही हूँ, चल डाल अपनी चादर मेरे ऊपर। अरे पूरी बात तो सुनो भामनी दा। अरे मार भागी, क्या छुई देगी? हाँ सब भूल जाती हूँ। हाँ समझे राजा बेटा, मैं अपने राजू से कहूँ बबुआ संहार संहार। साधु भाई, रेलगाड़ी मिलेगी? मैंने कहा रुपया तुड़ा दोगे साधु भाई, बड़ी जरूरत है। अच्छा देता हूँ। लो चला गया ना रुपया, भला हुआ। अरे नास्तिक का बोझा भगवान से नहीं सहा जाता है। क्या सच्ची खो गया? हाय गजब हो गया, अब क्या होगा है? जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। बामन की लाज रखना बाबा। साधु भाई, साधु भाई, रुपए खो गए क्या? थे कहाँ? खो गए? कब खो गए? मांगे भीख ना मिलेगी तो फिर हो है का मौत। खोजो बेटा, जरा अच्छी तरह खोजो। ब्रह्मचारी कहाँ गया? पान आपके लिए महाराज। चूल्हा नहीं सुलझा सके? अच्छा मैं ठीक किए देता हूँ, आप चटपट नहा आइए। होली होली चल दे चलो। कहाँ की सुलभ निशानी है रे बाबा, अब तो चला नहीं जाता अमर सिंह। तो देवी जी कंडी ले लीजिए ना। कंडी ले लीजिए ना, कंडी लेने से फायदा पैसा कौन देगा, तुम दोगे? अरे हम लोगों के पास तो आप ही लोगों की जेब से पैसे आते हैं। चलिए चलिए, मैं तुम्हें छोड़कर आगे नहीं जाऊंगी बेटा। अच्छी बात। हाँ तो वही कह रही थी भैया, गंजीपुर के चौबे जी के यहाँ रोज 3 पौवा दूध देती हैं। सो बबुआ हिसाब किताब तुम्हारा राजू ही जाने हैं।
चौबे जी के यहाँ ठीक तुम्हारे जैसा एक लड़का रहा। अच्छा जिस साल मेरा भतीजा गोकुल नहीं रहा बस वही तो भाई बहन थे, उसी साल मेरा कजरी का पांव टूटा था। हाँ बेटा तुम्हारे पांव का दर्द बिल्कुल कम नहीं पड़ा। और लो रात दिन बकवास, तुझे साथ लाना ही छक मारी है। कौन से नीलियन वो पानी चाला दाना। अच्छा अच्छा अजी जनाब सुनिए सुनिए आइए ना आइए बैठिए जरा दाम ले लीजिए। आपको पहले भी देखा है मगर जान पहचान नहीं हो सकी। लीजिए। जी नहीं पीते नहीं। खैर कोई बात नहीं मैं सोमनाथ। अच्छा आप लोगों को तो घर गृहस्थी का बखेरा नहीं ठहरे राम तेजोगी, मगर आपका वो ब्रह्मचारी कैसा आदमी है, सुना आप उसको खिलाते पिलाते आ रहे हैं, पाखंडी तो नहीं है? अगर दुनिया में सब लोग भले मानस हो जाए तो जिंदगी काफी बदमजा हो जाएगी। बस बस यही तो मैं भी कह रहा था। बात यह है कि आपका वो ब्रह्मचारी मुझसे कुछ मदद यानी पैसा ढेला मांग रहा था, लेकिन सफर में कोई पैसा क्यों कर दे, बहुत हुआ तो एक वक्त खाना दे सकता हूँ। ठीक है यही क्या कम है? जी हाँ यही तो मैं भी कह रहा था। बात यह है कि आदमी की पहचान बड़ी मुश्किल चीज है। तो यार ऋषिकेश लीजिए वो देखिए कैसे इत्मीनान से उपदेश छाट रहा है। चलिए 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 अरे बैठो तुम लोग। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं कौन? कुछ नहीं कोई नहीं सब कुछ वही है। ओम तत्सत। चलिए 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 कहा था ना ये देखिए। आइए आइए महाराज ये रही मेरी अन्नपूर्णा माँ और ये रही मेरी नानी। क्या आपके पैर में भी दर्द है? कुछ पूछिए मत बहुत परेशान कर रखा है। मेरी बिटिया के पैर में भी दर्द है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। भाई साहब मेरा नसीब चमक उठा है आइंदा यही प्रसाद पाऊंगा। हाँ अच्छा ये बात। हाँ खूब अब चला जाए। हाँ हाँ चलिए चलिए बैठे तो उठने का नाम तक नहीं लेते बकवासी बकवास। चलो चलो लड़की तो है बड़े घर की लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। देखा नहीं कैसा तन तन कर बातें कर रहा था। बात क्या है जरा साफ साफ तो बताइए। बताऊंगा बताऊंगा बहुत सी बातें हैं। आहा उसकी माँ बिचारी ने जब से तुम्हें देखा है आंसू बहा रही है। आंसू बहा रही है? हाँ हाँ कहते हैं तुम्हारे जैसा उसका एक लड़का था। अच्छा लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ लड़की के बारे में है बड़ी दयालु। ये लीजिए गरम पानी। हाँ पैरों पर डाल देखिए दर्द कम हो जाएगा। मगर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपके लिए जरा सी तकलीफ ही सही। चलो मान लिया मगर गर्म पानी से आपके पैरों का दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? हम औरतें ठहरे बर्दाश्त का मादा हम लोगों में कुछ ज्यादा होता है। सहने के लिए हमारा जन्म होता है सहे ही चली जाती है। चलिए शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कर सकेंगे आप मेरी मदद? चलिए आगे श्रीनगर में अस्पताल है हम लोग चल पड़े बिल्व केदार के दर्शन करके। इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदन कानन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। यही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। यहां से बहुत नीचे है संगम स्थान। दोनों नदियों के मिलन से जलराशि का उछल प्रवाह दिखाई दे रहा है। बेजानी जगह, फिर ऊंचा नीचा रास्ता, बिना रोशनी लिए कोई निकलता है। खैर, अभी इससे काम चल जाएगा। पैर की हड्डी तो नहीं सकती? शायद नहीं। वैसे आगे ऊखी मठ में अस्पताल है, वहीं पहुंचकर कुछ किया जाएगा। हाँ, आपके पैर के दर्द कैसा है? जरा भी कम नहीं। कुछ परवाह नहीं, मैं टोटका जानता हूँ, धोकर खा लेना होगा। सिर्फ शनि मंगल छोड़ो और रोग का दांत तोड़ो, बस। कर क्या रहे हो? इन्हें देखिए, इन्हीं अन्नपूर्णा माता का प्रसाद पा रहा हूं। सच कहता हूं महाराज, इंसान खाता है नसीब के बल पर, कमाई के बल पर नहीं। लेकिन अगर बीमार पड़ गए? बीमार? हरगिज नहीं। भूखी हड्डियां खाने से बीमार नहीं पड़ती। और फिर ब्रह्मचारी खा खा कर बीमार पड़ा हो, ये बात आज तक सुनने में नहीं आई। ब्रह्मचारी, खाना दूसरे का है मगर पेट तुम्हारा है, कम से कम उस पर ही रहम करो। पेट का मालिक मैं नहीं, स्वयं भगवान है। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। परेशान कर डाला तुमने, पुण्य होगा। लोगों का पेट भरने से क्या खाक पुण्य होगा? खैर, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो भेंट चढ़ाओ। आपको थोड़ा सा आम का चार दूं? आम? आम यहाँ कहाँ मिल गए? राह चलते मिल गए, थोड़ा सा लीजिएगा। माफ कीजिएगा, आज नहीं। राधा रानी माया ममता देखकर अचंभे में आ गया। हर एक यात्री के प्रति उसके सच्चे स्नेह ने मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन इस शोरगुल में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता हूँ। क्या मुझे यहाँ कुछ मिलने का नहीं? ओम तत् तत्, ओम तत् तत्। महाराज जी, गाना सुनिएगा। गाना? गाना यहाँ कहाँ? आइए तो सही। महाराज, नारायणगिरी माई के आश्रम में एक साधु आए हैं। तू ढूंढता है जिसको बसती में या के बन में, वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। तू ढूंढता है मस्जिद में मंदिरों में, पर्वत की कंदरों में। मस्जिद में मंदिरों में, पर्वत की कंदरों में, नदियों के पानियों में, गहरे समंदरों में लहरा रहा है वो ही। लहरा रहा है वो ही, खुद अपने बाकपन में वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। तू ढूंढता है हर जर्रे में रमा है, हर फूल में बसा है, हर जर्रे में रमा है, हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा है, हरकत वो कर रहा है।
हरकत वो कर रहा है हर एक के तन बदन में वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में तू ढूंढता बेटा सिर्फ केदारबद्री जाओगे जी माई जी आनंद होए बेटा कैलाश जाने की मर्जी है माई जी आनंद होए आषाढ़ के महीने में कैलाश जाना अच्छा है जोशी मठ और बागेश्वर के रास्ते जाना ठीक होगा एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाने के लिए बहुत जी करता है ना? कैलाश 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 हर पार्वती का निवास स्थान तुम जरूर जाओगे बेटा आनंद होए सोनी जरा चिलम तो बना लाओ बेटा तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो आनंद होए रुद्रप्रयाग तो पीछे छोड़ आए अब आगे क्या है बेटा बस रामपुर आया समझिए देखती हूँ आपका दहना पैर गया मेरा बाया चढ़ाई किसी तरह हो जाती है लेकिन उतराई मुझसे नहीं होती क्या कीजिएगा अब वापस तो लौटा नहीं जा सकता एक बात पूछूं पूछिए आपके घर पर क्या कोई नहीं है साधु सन्यासी के भी कोई होता है ओह हाँ ये देखिए ना लाठी के बल चलते चलते हाथ भी बेकाम हो गया अब और नहीं सहा जाता अच्छा हुआ अब दिल्ली दिख रही है कितना समझाया एक डंडी ले लो भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं लेकिन क्यों सुनने चली कहती है पैदल चलने से पुण्य होगा मेरा सर होगा पुण्य होगा ए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी किस चट्टी में जाना है सामने ही तो है रामपुर चट्टी चलो अस्तबल में दाखिल हो जाए एक जान और साफत अरे पैर जम क्यों गए चलो पानी क्या तुम्हारे लिए लाकर धरा था मेरे लोटे का पानी क्यों पिया प्यास से गला सूखा जा रहा था पी ही लिया तो ऐसा क्या कसूर हो गया क्या कसूर हो गया अरे रास्ते के कपड़े पहने हो पानी अशुद्ध नहीं हो गया अक्कल चढ़ने गई है अक्कल अक्कल पानी क्या पिया पाप हो गया पाप नहीं तो क्या तुम हो बछिया के ताऊ हलाल के माई बाप जांगर चलते नहीं दूसरे की छाती पर निकालना बार जानते हो अजी क्या कह रहे हो ऐसा नहीं करते बेटा खाने को देते हैं तो क्या जो मुंह में आए कहिएगा कहेंगे नहीं जरूर कहेंगे बड़े धन्ना से दाए मालूम है मैं किसी की परवाह नहीं करता खूब मालूम है तुमसे बढ़कर मतलब और खुद गर्ज
मैंने दूसरा नहीं देखा। ब्रह्मचारी, पानी तुम खुद लाकर पी सकते थे। देखो तो बेटा। बस यही तो मैं भी कह रहा था। भाई साहब आप भी तो बस हो गया, अब यह हरगिज नहीं ठहर सकता। लेकिन खाना खाकर जाना ब्रह्मचारी। महाराज आप भी इन्हीं से मिल गए तो बस हो गया। ब्रह्मचारी सुनो। नहीं, मैं यह पानी भी न पीऊंगा। ब्रह्मचारी हरगिज नहीं। जिसका कोई नहीं है उसके भगवान साथी है, वही का सहारा है। ब्रह्मचारी सुनो सुनो। नारायण है नारायण है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। नहीं 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 नहीं। बाबा कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ मैं भूखा हूँ। दया करो बाबा दया करो। बाबा बद्रीनाथ तुम्हारा मंगल करे। रसोई पकाने में आज आपको दिन भर मेहनत पड़ी फिर भी खाना नसीब नहीं हुआ, इस बात का पता माँ को भी है मुझको भी। इस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मगर हमारी रसोई तैयार है आप कहें तो। कहते हैं तीर्थ यात्रा में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। पराया? अगर बहन अपने भाई को खिलाए तो क्या आप उसे भी पराया कहिए? माफ कीजिए आपकी बात का जवाब नहीं। बेटा तुम्हारे पैर में दर्द है, अगर आज रामपुर में ही रुक जाओ तो कैसा हो? जी नहीं, मुझे जल्द जाना है। अभी चले जाओगे बेटा? पैर हम सभी के दुख रहे हैं बेटा, भगवान से मनाती हूँ धीरे धीरे हम सभी केदारनाथ धाम पहुँच जाएं। मुझे जल्द पहुँचना है, धीरे चलने से मेरा काम नहीं चलेगा। अच्छा बेटा, देश लौटने पर क्या माँ बहन की याद रहेगी? ठीक आपके जैसा मेरा एक भाई था, वो अब नहीं रहा। अच्छी बात, अपना पता दे दीजिए, अगर कभी वापस लौट सका तो मिलेंगे। माँ पता नहीं दिया जा सकता भैया। क्यों? नहीं राधा रानी, हम लोग चाहे कितने भी खोटे हों, मैं माँ ठहरी तो बहन पता दे ही दे। अच्छा रहने दीजिए। पता दे देती मगर वहाँ जाकर आप क्या कीजिएगा? आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी वरना तीरथ करना ही बेकार होगा। हम वो हैं जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं होती, न हमारे जात है न धर्म न मान है न इज्जत। न जात है न धर्म न मान है न इज्जत। बेशा राधा रानी बेशा। सुनिए सुनते जाइए, अगर कोई कसूर हुआ हो तो क्या जाने से पहले माफ कर दीजिएगा? माफ कर दीजिए। न रो बेटी न रो। बेशा राधा रानी बेशा। मेरे हृदय में मानो एक हलचल सी मच गई, लेकिन संदेह और अविश्वास के बाहर भी तो कुछ होता है। एक दिन वो अपने आप प्रकट हो जाता है। उसी दिन रात को मैं रास्ता भूल गया। Thank you.
रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा परदेसी? जी। कहाँ जाओगे? चंद्रपुरी। ओ आओ मेरे साथ। इस तरफ से निकल जाओ, चंद्रपुरी नजदीक ही मिलेगी। सुनकर चली आवत है। अरे तू कहती क्या है, हम रह गए और उस छोकरे को दर्शन मिल गए। हाँ। अजी हाँ जी, कहाँ निकल गई माता भगवती? आपने चरण क्यों नहीं कसकर पकड़ लिए? पहुँचे हुए हो अजी। दादा भाई जरा इस चिलम को भी अपने चरणों से छू देना। सदा अपने चरणों में रखना राजा बेटा। मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्यु लोक की तरफ। अब तो पैर नहीं चलते। तो कंडी पर आ जाइए। देखिए संभल के। तुम सब चलो, मैं कंडी पर आती हूँ। तुम हाल किया आना, हम लोग चले। हाँ हाँ हाँ, गिराना मत भैया। हाँ। संभाल के बाबा। घबराइए हाँ। नहीं घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आओ भाई चले, नीचे की चढ़ाई है, जरा संभल के। हम लोग भीरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े। आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहां मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस खड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थी। यात्री लोग इस पर झूलना पुण्य समझते हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का अनूठा संगम स्थान हो। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है? अमर बहुत ज्यादा तकलीफ का है। अरे भैया, अरे भैया, ये कौन सड़क में लाके उतार दिया रे? अरे खोल खोल, पहले रस्सी खोल, रस्सी खोल। आए भैया, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा। यहाँ से गिरने पर बाबा केदारनाथ भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तुम नास्तिक हो, घोर नास्तिक हो, फंसते हो महापापी कहीं के। जा तू भी जा, तेरी कंडी पर नहीं बैठूंगी। हमारा पैसा दीजिए। पैसा तुझे कौड़ी नहीं दूंगी। जा जा दूर है यहाँ से, हमारा कष्ट शुरू हो गया। थके मांदे यात्रियों का दल धीरे धीरे चला जा रहा है। बीते हुए दिनों की याद जैसे खोसी गई है पीछे छूटे हुए पर्वतों और जंगलों में। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जल धारा को छूती हुई
मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनिल जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती नाचती उछलती गरजती। हमारी मंजिल अभी दूर है, क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। मन में छाया है अंधेरा, आसमान पर बिछा रहे हैं गहरे काले बादल। जानते हैं गोपाल बाबू, ये है रामवाड़ा चट्टी, कैसा पानी बरस रहा है देखा? हाँ बाबा देखा, खूब देखा। दादा भाई, बाप रे बाप, ये बारिश थमेगी नहीं? मालूम तो यही होता है। बाप रे बाप रे बाप, ये ओले हैं या तोप के गोले? कैसी सर्दी है रे बाप? आज क्या कल देखना कैसी सर्दी पड़ती है, बहुत हिफाजत से रहना होगा, बर्फ गिरेगी बर्फ, जान बचा के चलना। हाँ कल हम लोग केदारनाथ पहुँचेंगे। मतमाना शिव पार्वती प्यारा।
मैंने कहा कंबल मिल गया अब तो आराम है ना? आराम दांत की किचकता है। अजी फैसले से बैठो, किसी आग इस पर छुआछूत के डर से तापने भी नहीं मिले। चल सड़क के बैठ, मारा भागी क्या छू ही रहेगी। ये लोग तुमको आदमी नहीं समझते। चादर से कुछ गर्मी आई बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है, लेकिन इस उत्तर धाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ? मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर। लंबे लंबे चढ़ाइयां उतराइयां पार करके गहरे घने जंगलों को लांग कर हमने प्रवेश किया काली मठ के मंदिर के आंगन में। शक्ति रूपिणी कालिका की किसी प्रकार की भी मूर्ति यहां दिखाई नहीं दी, केवल दिखाई दिया उनका शून्य आसन। अब तो मुझसे नहीं चला जाता। मिन 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 मत कर निर्मला, तब से यही एक रट लगाया है, नहीं चला जाता तो आई क्यों थी? अरे रोती क्यों हो, अभी पैर के लिए दबा देता हूँ। यहाँ मुंह मांगा वरदान पाओगी। ये ऊखी मठ है, ऊखी मठ, जाड़े में केदारनाथ जी की पूजा होती है। यह है उषा मठ, समझे? अजी बात एक ही है, उषा मठ ही ऊखी मठ है। यहाँ बानाश्वर की कन्या उषा रहती थी, श्री कृष्ण के नाती
अनिरुद्ध कुमार ने उषा का हरण किया था। क्या कहने हैं, जैसे दादा वैसे ही नाती। देवी देवताओं की लीला कौन बखान सके है। रहने भी दे, ये अधर्मी क्या समझेगा देवी देवताओं की लीला को। चल। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, माल मेरी बात हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार, धन्य है वो स्थान जहाँ प्रभु प्रेम का हो प्रचार। धन्य है तीर्थ जिनकी यात्रा मुक्ति की है बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। काम क्रोध मोह लोभ छोड़ कर नाम प्रभु का गाले, मानुष तन जो पाया उसका सच्चा लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तिहारा पल पल बीतत जात, हरि नाम सिमर राम नाम सिमर शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। जय बद्री विशाल लाल की जय। जिस बात का अंदेशा था आखिर वही हुआ, नहीं तो भला तुम पिछड़ जाते दादा भाई। बुखार से बदन जला जा रहा है, मैं बराबर देख रहा था कुछ रोज से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। खैर कोई बात नहीं दादा भाई, बाबा बद्रीनाथ है, बस चुपचाप लेटे रहो। बस थोड़े से के लिए तुम्हें अपने साथ न ले जा सकी बेटा। राजू की माँ, एक दिन हम सब ऋषिकेश से एक साथ निकले थे, आज उनमें से कितने ही नहीं हैं। कुछ लौट गए, कोई गिर पड़ा, तो किसी को पिछड़ जाना पड़ा। आज मेरी बारी है, आखिर मुझे भी रुकना पड़ा। लौटती बेर तुम्हें तंदुरुस्त पाओ दादा भाई। क्यों आओ राजू की माँ। बाबा बद्रीनाथ तुम्हारी रक्षा करे। बाबा बद्रीनाथ, बाबा बद्री विशाल, बाबा बद्री विशाल, बाबा बद्री विशाल। एक एक करके सब छोड़ गए, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में मुझे सफल होना होगा, जाना होगा, जानना होगा, झूठ और संदेह के बंधनों से मुझे मुक्त होना होगा। इसी भावना को लेकर मैं चल पड़ा, एक लंगड़े की तरह गिरता पड़ता ठोकरे खाता हुआ। इतने ही में अचानक दिखाई दिया ब्रह्मचारी। वो आ रहा था बद्रीनाथ से लौटकर, लेकिन उसे तो जैसे पहचाना ही नहीं जाता।
भाई साहेब मुझे पहचाना महाराज। पहचाना, क्या चाहते हो? माफी चाहता। माफी? जी, न जाने कितने कसूर मुझसे बन पड़े हैं। आपको छोड़कर चला गया था, ये उसी की सजा है कि पहाड़ी मक्खियों ने काट खाया है। समझा। कुछ रोज से बराबर बुखार है, उफ, कैसी तकलीफ है। महाराज महाराज महाराज, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, कुछ भिक्षा मिल जाए। भिक्षा? रास्ते में तुम्हें बहुत भिक्षा मिलेगी। भाई साहब, तीरथ को आए हैं, कुछ दान ही करके जाइए। बाबा बद्रीनाथ आपको बहुत देंगे। बस रहने दो। महाराज महाराज महाराज, आप कुछ पत्थर के बने नहीं हैं, कभी मुझ पर आपको प्यार भी ना। प्यार? उसे तुमने अपने हाथों से मिटा डाला है। नहीं सकते।
आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो चलो भाई आओ। के दर्शन जो मिल गए हैं। किनके किनके दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सूरदास, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे हर जगह हर चीज में। बाकी नहीं, मैं भारतवर्ष की संतान हूँ, प्राचीन सभ्यता की कोख से मेरा जन्म हुआ है, मेरी हर सांस में मेरे देश की महान आत्मा बोल रही है, इसी देश की मिट्टी में लौट लौट कर मैं पवित्र हुआ हूँ। हे देवादिदेव, अपने चरणों तले मुझे स्थान दो, धन्य करो, कृतार्थ करो। आनंद उल्लास में डूबे हुए मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का प्रवाह। आगे बढ़ जाने पर वसुधारा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरी संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह जहां पांडव पत्नी देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थी। इस पवित्र लक्ष्मीबान के पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी सारी सत्ता किसी गहरी चोट के दर्द से व्याकुल हो उठी हो। मैं फिर लौट पड़ा।
नो दाई सेल्फ सो हम अपने को जानो, अपने को पहचानो, दुनिया को पहचानो। प्रेम 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 की आंखों से सबको पहचानो। रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन। मेरा है, छोड़ दीजिए। दाम दिए जा चुके हैं? ना, लेकिन वो मुझे पसंद है। पसंद? गोया पसंद आते ही चीज आपकी हो गई। अच्छा, ले लीजिए। आपकी क्या राय है गाय की इस पूंछ के बारे में? दुकान में बहुत सी लटक रही है। अजी हो साजी, माने तोला जी दियो तो क्या? तोला भर, तोला भर, तोला भर ढाई पाव। बस रे जी, बस बस। ये आदमी है, ये पाजामा माफी हो, माफी जी, जा माफ किया। दादा भाई, दादा भाई, अरे चलो चलो, बड़ी भीड़ है, फिर कभी आएंगे। तो चलो, चलिए। थैंक यू। तुम धन्य हो गए, निहाल हो गए। चलो। आपके दोस्त हैं? साथी हैं। तो क्या आप अकेले ही आए हैं? बस ऐसा ही कुछ समझिए। अकेले इतनी दूर चले आए, किस लिए? जिस लिए सब लोग आते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए, इसी उम्र में?
तो शायद इसीलिए गेरुआ भी पहन रखा है। क्यों, आओ नानी, चलो चलो बेटी। अच्छा, आप ख्याल आता है आप ही को हरिद्वार में देखा था? मुमकिन है। आए कैसे? आपका गेरुआ उड़कर। अच्छा नहीं किया, गेरुआ पहनने के लिए मन में वैराग चाहिए, सो तो आपके है नहीं। गुरु किया है जी? कहाँ, मिलते ही कर लूंगा, गुरु न होने से ही ये खस्ता हाली है। कोई बात नहीं, एक बार कैलाश और हो आइए, भीतर बाहर सब पवित्र हो जाए तो कान फूंकने का इंतजाम कर दिया जाएगा। चलिए स्वामी जी। हाँ चलो। खुद को पहचानो, प्रेम की आंखों से दुनिया को पहचानो। कौन है ये साधु? इसकी जबान से गोया हिमालय की आत्मा बोल रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे इसने मुझे राह दिखा दी, सच्चाई और विश्वास की, मार्ग दर्शा दिया आनंद और प्रेम का। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। अंदर कौन है? दरवाजा खोलिए। अरे खोलो भी, हाथ पे जमकर बर्फ हो गए। जरा रोशनी दिखाओ ना भैया। क्या सबके सब मर गए? कोई जवाब ही नहीं देता, कान में तेल डाले बैठा है। पैर मत बढ़ाना बुआ, जान से हाथ धो बैठोगी। अब और लंगड़ी होने की जरूरत नहीं। चल चुप रह, जरूर बढ़ूंगी। अरे आओ भले आदमी। क्या आप लोग ऊपर आइएगा? नहीं तो क्या चिल्लाने का शौक चढ़ गया है? चलो हटो। स्वामी जी कह रहे थे आपने कैलाश जाने का फैसला किया है। फैसला नहीं किया, मगर एक ख्याल है। कैलाश आपके लिए ख्याल की चीज है? तो क्या बद्री केदार भी उसी ख्याल की धुन में चले आए? आप किस जवाब से खुश होंगी? दरअसल सभी कुछ ख्याल है। क्यों? अजी लट्टू है, लट्टू। जी हाँ लट्टू, सिर्फ चक्कर लगाना आता है मगर कुछ दिल जबई नहीं होती। दादा भाई चक्कर में पड़ना मुनासिब नहीं। अजी गोपाल मोदी उड़ती चिड़िया पहचानता है। जो तो है पिया मिलन का चाव, सरधर तली गली मोरिया। ओ यू सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। अपने आप को लुटा दो, अपने आप को मिटा दो। कैसे? प्रेम, प्रेम। लो पियो, चाय पियो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते अमुक। अपना अपना नाम लीजिए। बामनी दाई, गोपाल मोदी। राजा भैया, मैं तुम्हें कब से खोज रही हूँ। अच्छा बेटा, ये जो मैं तीरथ करने आई, इससे क्या मेरे राजू को पुण्य नहीं होगा? फिर मैं कितना कुछ साथ ले जा रही हूँ, ये सब अपने राजू के माथे से छुआ दूंगी तो क्या किस पर भी पुण्य नहीं होगा? भला तुम क्या कहते हो बेटा? क्यों नहीं होगा राजू की माँ? बस बस, मैं और कुछ नहीं मांगती बेटा। भगवान करे मेरे तीरथ का सुफल मेरे लाल को मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा। लो ये देखो कैसे खा रही है, जैसे लाश पर गिज टूटा हो। रास्ते भर कच्चा आटा घोल घोल कर पीती रही, क्या उसी का बदला ले रही है? बाबा का प्रसाद है ना, कितने ही खाओ पेट नहीं भरे है। तो मर, खा खा के मर।
गया प्रवर्तमान से ब्राह्मण द्वितीय पहरा थे सत्यानाश हो गया। अरे लिखो क्या, पहुँचने में तो अभी बहुत देर है। देर क्या है जी, बस चलने की देर है। लिख दे बुधवा को, हम पहुँच रहे हैं। ये लो, अभी तो कितना सफर बाकी पड़ा है। अरे लिखो ना, मैं कहती हूँ। बुआ, तुम क्या उड़न खटोले पर बैठकर जाना चाहती हो? चुप भी रहो बिटिया, तुम मुझे बहुत छेड़ती हो। सबने सुफल लिया मगर आपने नहीं लिया। देखिए, अगर नसीब ने जोर मारा तो जाने से पहले सुफल मिल भी सकता है। कब जा रहे हैं? आखिर कभी तो जाना ही होगा। किस रास्ते? वही बेरास्ते? जी, शायद बेरास्ते ही। सुनती हो नानी, आप कैलाश जा रहे हैं शिव पार्वती के दर्शन करने। अच्छा, इतनी दूर जा रहे हो बेटा? क्या तुम्हारे घर पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं? नानी, तुम्हें अपना चश्मा बदलवाना चाहिए। देखती नहीं, आप आधे सन्यासी हैं। अरे नहीं बिटिया नहीं, तुम समझती हो कि गेरुआ पहने से ही कोई सन्यासी हो जाता है। आओ। पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति चंद्रमा वायपाम पुष्पम पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति य एवं वेद यो वामायतनम वेद आयतनवान भवति। आप यहाँ खड़े हैं? मंदिर में कितना ढूंढा लेकिन ठाकुर जी के सामने तो आपको नहीं देखा। उन्हीं के सामने तो खड़ा हूँ। उन्हीं के सामने क्यों? लाखों इंसान इतनी तकलीफें उठाकर जिनके दर्शन करने आते हैं, उन्हें आप क्या सिर्फ मंदिर ही में देखना चाहती हैं? बाहर नहीं? स्वामी जी, रानी, रानी कहाँ गई बेटी? बाबा, जरा कस के बांध, कस के। दादा भाई, तुम तो बाद में आओगे, हम लोग चले। जी हाँ, खुशी से। अरे कहाँ हो? आओ आओ। अजी आती हूँ, तीर्थ यात्रा हो चुकी ना, आप बाबा बद्रीनाथ से मतलब ही क्या? आइए आइए, आप लोग जल्दी आइए, भूख निकल आएगी। लंबागढ़ चट्टी पहुँच रहा है, 7-8 मील दूर। रानी रुक क्यों गई? चल चल जल्दी चल। आ जय भगवती लाल की जय। जय भगवती लाल की जय। आओ चलिए, जय भगवती लाल की जय। ये लो। क्या हुआ? भूल आई। क्या भूल आई रानी? सेफ्टी पिन भूल आई नानी, सेफ्टी पिन। तू भी अच्छी हंसी करती है। तो क्या अब फिर सेफ्टी पिन के लिए वापस जाएगी? हाँ नानी,
कहते हैं रास्ते की चीज रास्ते में नहीं फेंकाना चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। तो जो ठीक समझे सो कर। लड़की क्या है, चटकी है चटकी। अफसोस यही है माँ जी कि उसकी उम्र में हमने ऐसी अटखेलियाँ नहीं की। नहीं बेटी ऐसा मत कहो, बच्चे की सारी हंसी खुशी मिट चुकी, इधर माँ बाप भी चल बसे। आज अगर किसी चीज के लिए जिद करती है तो मुझसे मना नहीं किया जाता। चलो आगे बढ़ें। नमो नारायण साधु जी। आइए ये लीजिए। चमार क्यों भला? आपको पसंद था ना, इसीलिए। पसंद? पसंद तो बहुत कुछ जो ना होना चाहिए वो भी, मगर क्या मिलता भी है। कौन जाने मिल भी सकता है। सच तो ये है कि इस चीज के लिए आपके दिल में आप तक एक्टिस बनी हुई है। ये मैं नहीं मानता, पत्थर के दिल में टीस नहीं होती। क्या हो आप और पत्थर? लेकिन मैं भी अपने को खुदगर्ज मानने के लिए तैयार नहीं, इसे आपको लेना ही होगा। जानती हैं तीर्थ स्थान में दान नहीं लिया जाता। दान कब कर रहे हैं, दाम दे दीजिए। तो एक काम कीजिए, दाम दूंगा भी नहीं और लूंगा भी नहीं, उसे आप मेरी तरफ से एक छोटी सी सौगात समझ लीजिए। वाह वाह आप भी खूब है, मैंने पैसे देकर चीज खरीदी और आप चले सौगात देने। ये दरिया दिली आपने और कितने को दिखाई है, है? इस अनोखी सौगात को सर आंखों कबूल करती हूँ। अच्छा जल्दी। तीर्थ यात्रा इतने दिनों के बाद समाप्त हुई, यहाँ तीन रातें बिताकर एक एक करके सभी लौट रहे हैं। वही पहले वाला रास्ता फिर आ गया, वही भयभीषणा धवल गंगा भयावनी चक्कर खाती हुई वही चली जा रही है, उसी के किनारे चला जा रहा है यात्री दल। सभी के चेहरे आनंद और उत्साह के तेज से चमक रहे हैं। फिर आ गया पांडुकेश्वर, कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यही निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा, पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। सर पर सफेद मुकुट सा पहने हुए यह लोकपाल पर्वत की चोटी बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान है। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है। वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ मिली है। लौट आया विष्णु प्रयाग, वही विष्णु गंगा और अलकनंदा का अनोखा नाच रंग। फिर आ गया जोशी मठ या ज्योतिर्मठ, जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है। इस तरह उनसे चलने से काम नहीं चलेगा, कदम बढ़ाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमें छोड़ जाने का डर मत दिखाना। हाँ अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, अपने पांव के बल हम भी चले आएंगे। चल आ राजू के मां।
जलसे कैसे हैं? जैसे पाँव में सनीचर हो। अजी जरा हौले हौले चलिए। ये राजहंस की तरह मंद मंद मुझसे नहीं चला जाता। पता नहीं कालीघाट में किराने की दुकान छोड़कर आया हूँ। तीरथ किए लेकिन मन की माया न छूटी। जी बे लगाओ घोड़ा नहीं खूंटे से बंधा हूँ। आखिरकार अस्तबल में लौटना ही होगा। बोलते ही क्यों हो? चुप भी रहो जी। देखिए पैर आखिर आप ही के हैं उधार के नहीं। पैरों को पर लग गए हैं पर। पर समेट क्यों लिए गोपाल बाबू? नमस्ते सर्दी बाबू। सर्दी बाबू माफ कीजिए नाम नहीं मालूम। मैं गोपाल बाबू हूँ सर्दी बाबू नहीं। आपके दोस्त बसंत बाबू की क्या खबर है? वो बसंत है कि बरसात मुझे नहीं मालूम। अरे खफा क्यों होते हैं? आप लोगों के नाम नहीं जानती इसीलिए इस तरह पुकार रही हूँ। अजी नाम धाम जानने की कोशिश न कीजिए उसमें काफी खतरा है। ले थाम तो तना। ची 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 मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती। भाले घर की बहू बेटी होकर घुड़सवारी करती है लाज शर्म सब धोकर पी गई। अरे कंडिया डंडी ले लेने से भी तो चल जाता झगड़ा चुकता। इससे मुल्लू देखे मगर ऐसी बहराई कहीं नहीं देखी रे बाबा। बड़े घर की बेटी है भला पैदल क्यों कर चलेगी। चल चुप रह बहुत बकवास मत कर। वही नानी की बात कह रही हूँ। कमसीन छोकरी को घोड़े पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? अरे रास्ते में मर्द लोग भी तो देखते होंगे कि नहीं, उन्हीं को दिखाने के लिए तो सवारी गांठी है। देखती जाओ ना। अरे गोपाल भैया आओ। दादा भाई देखा नजारा? नजारा कैसा? नहीं देखा? तुम क्या पगडंडी से होकर आ रहे हो? हाँ लीजिए वो आ रही है। कौन? अजी वही तुम्हारी रानी लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई? जी हाँ बुढ़िया की नातिन वही बातूनी लड़की। वो लोग तो आगे निकल गए। अजी निकल कहाँ गई? आ रही है। रास्ते में मुकाबला हुआ तो मुझसे कहती है कही है सर्दी बाबू और तुम्हें नाम दिया है वसंत बाबू। जा देखो मैं चल दिया। आइए। बड़े भाग जो फिर आपसे मुलाकात हो गई। मैं नमस्कार करती हूँ। जरूरत से ज्यादा भक्ति मालूम होती है आसार अच्छे नहीं। आखिर क्या किया जाए? एक तो वैसे ही तीर्थ स्थान का असर और तिस पर आपके खौफनाक गेरुए कपड़े। भक्ति बेतरी खुद बखुद उम्र आती है। पहाड़ी सफर में गेरुआ बड़े सुविधा की चीज होती है सबको छुप जाता है। बहरहाल आपकी पोशाक तो बड़ी शानदार है। मैं कुछ आपकी तरह दुनिया नहीं छोड़े बैठी। हरगिज नहीं बल्कि साथ साथ लादे चल रही हैं। क्यों रे प्यास लगी है? पीठ पर वजन भी तो कम नहीं। रह रहकर बेचारे का गला सूख आता है। ए ले थाम।
क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रेम वल्लभ। क्या कहा? प्रेम वल्लभ। जी प्रेम वल्लभ। हाँ बेचारी। लड़की की जबान बेशक चलती है कतरनी की तरह, लेकिन दिल बड़ा सच्चा है। दरअसल बड़ी दुखिया लड़की है। कौन, किसकी बात कह रहे हैं? अजी उसी रानी दुर्गावती की, नानी की नातिन की। शादी हुई नहीं कि सुहाग रात के दूसरे ही दिन चिराग गुल हो गया। मोती भरी मांग का सिंदूर पोंछ डालना पड़ा। अब बेचारी मामा की यहाँ पड़ी है। हाँ हाँ, लेकिन दादा भाई, मामा हो के मामा का मामा, सच तो ये है कि उसी की दौलत पर सब ऐश करते हैं। देखता हूँ इसी बीच आपने खासा दास्तान मालूम कर लिया। अजी सर सुन सुन कर मालूम हुआ, वही तुम्हारे चुनरिया का मुस्तन महंत ग्यारानंद है ना, वही सारा किस्सा सुना रहा था। कहता है सब भगवान की लीला है। लीला? ठीक कहता है, वो खुद भगवान की एक जीती जागती लीला है। तोतादा, तोतादा, तोतादा। कहाँ चल दिए? पानी लाने जा रहा हूँ। आप लोगों की रसोई हो चुकी? इस वक्त हमने नहीं पकाया। क्या व्रत किया है? नहीं, तोताराम की तलाश में हूँ। उन लोगों के लिए कुछ पुनिया उड़िया मंगवा लूंगी। लाइए, मैं ला देता हूँ। ला दीजिएगा। लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, देश लौटने पर एक बार आपके मठ के जरूर दर्शन करूंगी। जरूर आइए, साथ में अपनी नातिन को भी लाइएगा। नातिन? वो तो दिन रात अपने सांवरिया के रंग में रंगी रहती है। भी खूब है, न जाने कब जाकर खाने को रखाए, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। बात क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ खाए। अरे इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ के बाद भी आपकी जबान पर वही गृहस्थी मन की बातें? ये गृहस्थी मन लेकर ही तो तीर्थ यात्रा सफल कर पाई हूँ। इसी भावना को लेकर अगर इंसान में भगवान के दर्शन कर सके, जनता जनार्दन की सेवा कर सको, तो क्या ये मेरी भूल होगी? आप ही ने तो कहा था कि भगवान सिर्फ मंदिर ही में नहीं रहते, वो बसे हुए हैं संसार की हर वस्तु, हर प्राणी में रमे हुए हैं, विशाल हिमालय की अनंत महिमा में। जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा किसी काम से निकली थी? जी कुछ नहीं, कह रहा था अंदर बड़ी सख्त गर्मी है, बाहर कुछ मीठी मीठी हवा बह रही है। छी 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 छी, लानत है तुम पर, तुम इतने नीच इतने बेहया हो। अरे चुप 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 भी रहो। चुप कब तक चुप रहूंगी तुम्हारी इन करतूतों को देखकर? कहता हूँ चिल्लाओ मत, मैं उससे मठ के बारे में कुछ कहने गया था। मठ?
वो उसी मठ के बारे में ना जो तुमने एक दिन मुझे दिखाया था। कह दूं सबसे कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु या जी का जंजाल। इसीलिए कहा है पथे नारी विवर्जिता। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। लीजिए आप तो हंसने लगी, जरा सा रुक जाइए। रुकने से नहीं चलेगा, नानी जी पीछे पीछे आ रही हैं। तो चलिए। कैसा जानदार जानवर है, जी चाहता है इसे अपने साथ घर लेती जाओ। घोड़े को साथ लेती गई तो बेचारे साइज का क्या होगा, रास्ते बेरास्ते दौड़ता फिरेगा। हाँ। अरे अरे गिर जाओगी गिर जाओगी। मेरे नसीब अच्छे थे जो आप कैलाश नहीं गए। मेरे नसीब भी कम अच्छे नहीं जो आप बद्रीनाथ आई। मैं एक काम करती हूँ, घोड़े को छोड़ देती हूँ। क्यों? दोनों धीरे धीरे पैदल चले चलेंगे। नहीं, मेरी सलाह है कि घोड़ा भी रहे और फिर भी पैदल चला जाए, जब जरूरत होगी तेजी से जा सकेंगी। मगर मैं तेजी से जाना जो नहीं चाहती। क्यों? बस क्यों, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। सुनिए वो लोग आ रहे हैं, आप तेजी से आगे बढ़ जाइए। ना, आने दीजिए, उन लोगों के सामने ही आपसे बातचीत करूंगा। देखिए हुकुमदुली न कीजिए, आप बहुत आजाद तबीयत हो गए हैं। कहती हूँ बढ़ जाइए। चलो जरा बैठा जाए। घोड़े पर चढ़कर बस इतनी ही दूर आ सकी रानी? पीठ का दर्द फिर शुरू हो गया नानी। फिर शुरू हो गया? अच्छा तू सुस्ता ले, मैं तब तक पानी पीकर आती हूँ। अभी किससे बातें कर रही थी रानी, कौन था? कौन कौन होगा बुआ, मैं क्या जानू? ऐसा लगा जैसे किसी की आवाज सुनी हो। ओहो प्रेम वल्लभ, ओ प्रेम वल्लभ। तुम्हारा लोटा। हो लोटा यहाँ? प्राय चीजें आपको बहुत दूर से नजर आ जाती हैं, क्यों? सच कहती हूँ माँ जी, लड़की को साथ लाना अच्छा नहीं हुआ। आखिर तुम्हारी भी तो एक जिम्मेवारी है कि नहीं? अरे बाप रे, हजार हो पराया घर की बहू ठहरी, इस पर कच्ची उम्र सुनसान बियाबान में इस तरह भटकते फिरना क्या अच्छा है। कुछ कहे जाइए। कहूँ क्या खास, देखती हूँ इतनी अबेर हो गई, ना आपने अब तक नहाया ना खाया, काफी थक गए है ना? अजीब बात है, इतना मुश्किल रास्ता मगर एक बार भी थकान महसूस नहीं हुई। क्यों कर? बस क्यों कर, हर बात का जवाब नहीं होता। आपका घोड़ा सिर्फ चलना जानता, दौड़ना नहीं। खैरियत है कि दौड़ता नहीं, ख्याल कीजिए अगर दौड़ जाता तो क्या हम एक दूसरे से कभी मिल पाते? शायद अच्छा ही होता। क्यों?
शायद आपको सचमुच तीर्थ करने का सुफल मिल जाता। सुफल? हाँ, सुफल मुझे काफी मिला है। आप क्या समझेंगे, घर गृहस्थी की तंग चार दीवारी से निकलकर पहाड़ की गोद में बच्चों की तरह दौड़ सकी हूँ, खिलखिलाकर हंस सकी हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल सकी हूँ, और नहीं तो आपसे मुलाकात हुई, यही क्या कम सुफल है? चलिए। लीजिए, पैर ढककर बैठिए, यहाँ जंगली मक्खियाँ बहुत हैं। अच्छा, आप क्या इसी तरह बेमतलब देश विदेश भटका करते हैं? बेमतलब नहीं, भटकने में एक मजा है, शायद इसीलिए भटका करता हूँ। लेकिन ये आवारे की जिंदगी आखिर कब तक? आपके घर पर क्या सचमुच कोई नहीं? कोई होता तो क्या आप खुश होती? आप कुछ मेरी खुशी का रास्ता देखने नहीं बैठे, लेकिन एक बात कह रखती हूँ, भूलिएगा नहीं, इस तरह मारे मारे मत फिरिएगा, आखिर आदमी की सेहत एक हद तक ही ज्यादती सह सकती है, इस दफा लौटने पर कुछ दिन आराम कीजिएगा, वादा कीजिए। हाय भगवान, ये क्या घोड़े पर सवारी करने वाली दिलेर लड़की की बातचीत है? अच्छा, वादा करता हूँ। हाँ, आज क्या खाने पीने का कोई बखेड़ा ही नहीं है? आज एकादशी है। एकादशी? जय भक्ति साहब। तेरे मतलब क्या है रानी, पैदल चलने वाली है क्या तेरे जी में कोई माया ममता नहीं? तू जानती है मैं एक साथ ज्यादा नहीं चल सकती, पिछली चट्टी में ही क्यों नहीं रुक गई? ये ज्यादती थी, ये बेअदबी, किसने कहा था तुझसे इतनी दूर चले आने के लिए? आज आपने रसोई नहीं की? किसने कहा? सारा दिन भूखे प्यासे गुजार दिया, क्यों? हर्ज क्या है, एक दिन एकादशी ही सही। जानती हूँ आज आपने क्यों नहीं खाया, मेरे अपमान की बात आप भूल नहीं सकेंगे, ये मुझे मालूम था, लेकिन बताइए तो सही, आपने मुझ में क्या बुराई देखी है, कौन से बेअदबी हो गई है मुझसे? जोश में ना आइए, आप व्रत किए हुए हैं, फिर वो लोग ठहरे आपके सगे संबंधी, उनकी हर बात मानकर चलना ही आपके लिए मुनासिब है। रोते नहीं तो तारा, मैं फिर आऊंगी, नहीं कह सकती कब, लेकिन अगर किसी दिन कोई मान का साथी मिला तो जरूर आऊंगी, और सबसे पहले तुम्हारी ही तलाश करूंगी, रोते नहीं भाई। कुछ भी हो माँ, ये तुम्हारी लाडली लड़की की बहुत बेइज्जती है, जाने कहाँ का कोई कुली मजूर अपने घर वापस जा रहा है तो बस लगी उसी के लिए आंखों का नींद ढकन, जब जिस पर खुश हो गई वो ही सब कुछ हो गया। राजू की माँ, क्या तुम्हारे राजा भैया निकल गए? कब के निकल गए बिटिया, पहर रात बाकी थी, हम सब सोए पड़े थे तभी निकल गए।
राधा रानी अपने कृष्ण कन्हैया को खोज रही है। जंगल में मंगल करना था तो तीरथ करने क्यों आई? तुम्हारी नातियों के रंग ढंग बिल्कुल अच्छे नहीं। मैं फिर कहती हूँ, जरा संभाल कर रखो। मैं उसे क्या संभालू बेटी, वही तो इस परदेश में हम सब की संभाल करती आई है। नहीं तो हमारे ऐसे कौन से पुण्य थे कि बाबा बद्रीनाथ के दर्शन मिलते। भाई क्या तबीयत अच्छी नहीं? नहीं तो लोग जो जी में आए कहे दादा भाई, मगर मैं किसी की बात पर कान नहीं देता। बात क्या है? अजी वही ग्यारह नल की टोली वाले जाने क्या क्या बातें मना रहे हैं। कहते हैं तुम घोड़े की पूंछ पकड़ कर बैतरणी पार कर रहे हो। उनकी बात सच भी तो हो सकती है गोपाल भैया। बेशक हो सकती है। अरे गोपाल मोदी आदमी पहचानता है, गंगा जल में कैसा भी पानी आकर मिले गंगा जल ही बना रहता है। तो फिर सच बात ही कह दूं गोपाल भैया, उमड़ती हुई भागीरथी आज गरजते हुए समंदर के साथ आ मिली है। वाह, अरे इस बार तुमने मेरे दादा भाई जैसी बात कही। वाह वाह, तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। सारा दिन आपको खोजती रही, कहाँ थे? अगर कहूँ मैं छुपा हुआ था। छुपे हुए थे? क्या किसी से न मिलने की कसम खाई है जो छुपे हुए थे? क्यों, किस लिए चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए। जिससे फिर आपके साथ भेंट न हो। आपके इस बात का मतलब? आपकी क्या राय है, अब क्या हमारा मिलना जुलना ठीक होगा? 100 बार होगा। आपको मालूम होना चाहिए मैं किसी के मातहत नहीं। क्या आपकी नजरों में ये कोई कसूर है? मेरी और दूसरों की नजर तो एक नहीं। कोई कुछ भी समझे, मैं वैसा नहीं समझती। सुनिए, कल से आप भी एक घोड़ा लीजिए, दोनों साथ साथ आगे बढ़ चलेंगे, जहाँ जी चाहेगा जिधर जी चाहेगा। आइए हम अपने अपने घोड़े बढ़ाएं, धूल उड़ती रहेगी, पीछे आने वालों की आंखों को उसकी जरूरत है। लेकिन उसके बाद? इसके बाद पीछे की दुनिया शक करती रहेगी, उछल कूद मचाती रहेगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद? इसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसका घोड़ा बेहतर है। बेहतर मेरा है। हाँ है, मेरा कही शानदार है। ये बात तो आइए देख लिया जाए। चला जा रहा हूँ नंद प्रयाग की राह पर, पास ही है नंदा और अलकनंदा का संगम। आगे पीछे कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई पाबंदी नहीं। खोए हुए से चले जा रहे हैं, प्यारे प्यारे दिन बीते जा रहे हैं बहती हुई नदी की तरह। अब आ पहुँचा हूँ कर्ण प्रयाग, पिंडार गंगा और अलकनंदा के संगम पर। Thank you.
है दैया, चूहे बिल्लियों के उधम में आंख लगाना भी दूभर है। बहुत शरीफ है आप, जागे हुए थे बताइए तो क्या? आप मुझ पर कंबल डालने आई थी मगर दबे पांव वापस लौट गई, यही ना? डाली जाती कंबल, सुबह उठकर बाकायदा राजा के भेष में दुनिया को दर्शन देता। राजा के भेष में? सन्यासी जी कहीं राजरानी के सपने तो नहीं देख रहे? सामने पीछे दूर तक कोई नहीं, कहीं तो इस बार कहिए, सुनकर विश्वास कीजिएगा। कहिए ना। नहीं, रहने दीजिए, मत सुनिए। सुनो तो सही, क्या बात है? जिस तरफ नजर उठती है आजादी आजादी ही दिखाई देती है। जिंदगी कभी इतनी भली नहीं मालूम हुई थी। एक कभी ना मिटने वाली खुशी लिए जा रही हूँ इस मुक्ति की राह से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये कर्ज कभी चुका ना सकूंगी, हमेशा कर्जदार ही बनी रहूंगी। बद्री विशाल के पास, इस अनोखी शान वाले हिमालय के पास। दुखड़ा रोने के लिए दुनिया में और कोई साथी नहीं मिला। रास्ता घाट गली कूचा जहाँ देखो लंबी सांसें भर रही हैं। क्या कहना चाहती हो सीधे कह डालो ना। कहूँ क्या? लो आप ही आ गई, उन्हीं से पूछ लो। रानी ये क्या कहती है? मैं क्या जानू। हाय हाय, आप नहीं जाने हैं तो कौन जाने हैं? दोनों मिल मिलकर हंसी ठठोली कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। क्या किसी की आंखें नहीं है, कान नहीं है, या मुंह में जुबान नहीं है? चुप रहो बुआ, अगर तुम्हारी आंखें इतनी तेज और कान इतने लंबे हैं, तो ये किसी का कसूर नहीं। क्यों चुप क्यों रहो? ये रंगरलियां किसकी है? बाबा बद्रीनाथ गवाह है। बुआ तुम्हें साथ लाना ही भूल थी। मैंने मल धोकर रखी और तुमने गिरा दी। कितनी लापरवाही। अब पानी भर रहे हो? हाँ भरे देता हूँ। भरे देता हूँ, तुम्हारा छुआ लेता कौन? क्यों क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं, पूछो तो सबसे। इतना चिल्लाती क्यों हो? चिल्लाऊंगी नहीं, तुम छू दोगे और मैं चुप रहूंगी। दिमाग ठिकाने हो तब ना। मेरा दिमाग क्यों बेठिकाने होगा? और नहीं तो क्या, मन तो भटका करे है किसी भूल भुलैया में। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। तुम लोगों की किस्सा कहानियों से हमारी पोटली भारी हो उठी है। ओहो, गोया खासा बोझ ढोना पड़ रहा है। शायद तीरथ से यही सुफल साथ ले जा रही हो। सुफल? और तुम्हारा सुफल पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी तक घुड़सवारी करता फिर है। कुछ होश भी है क्या वक्त जा रही हो? ठीक कहती हूँ, कहूँगी नहीं, सौ बार कहूँगी, हजार बार कहूँगी। जितना कहोगी उतना ही अपने दिल का मैल जाहिर करूँगी। चलो रहने भी दो, तीर्थ स्थान में आकर रासलीला रचा रहे हैं। कहूँगी नहीं, सारे जहान को सुना जाऊंगी। क्यों
आखिर हुआ क्या? मैंने कौन सा अन्याय किया है? न्याय अन्याय मैं नहीं समझती रानी, लेकिन जब पांच जनों को अच्छा नहीं लगता तो घोड़ा छोड़कर पैदल ही चलो। हम भी तुम्हें अच्छे भले घर पहुँचा कर बेफिक्र हूँ। हाँ क्या चाहते हो? ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाओ क्यों? रानी से बातचीत कर। जी हाँ। तुम कैसे आदमी हो जी? पराया घर की विधवा लड़की के साथ दिन रात वॉक बेवॉक बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तीरथ का न्याय हो ना। ये आप क्या कह रही हैं? कहती हूँ गेरुआ पहनकर सन्यासी का भेष धरकर भगवान को ढूंढने निकले थे ना। भगवान क्या पराया घर की विधवा लड़की है? पत्थर बनकर खड़े क्यों हो? जाओ, कहती हूँ जाओ। दैया रे दैया, कैसे बेहया आदमी से पाला पड़ा है। छी छी। क्या है, क्या हुआ? अरे ओ अभागे, अंधेरा घूप है, बत्ती नहीं दिखा सकता। गुड्डू का ही का। ओ दिल वाले दिल गिर हुआ, क्या क्या सोच रहा है तू? दिल वाले दिल गिर हुआ, क्या सोच रहा है तू? सोच रहा है तू? सुख और दुख को समझ बराबर धीरज, तू धीरज धर साधु। क्यों सोच रहा, क्यों सोच रहा, क्या सोच रहा है तू? दिल वाले दिल गिर हुआ, क्या सोच रहा है तू? खोटी दुनिया भले बुरे की कर न सके पहचान, ज्ञानवान पर कीच उछाले मूर्ख को दे मान, मूर्ख को दे मान। तू अपमान को मान समझ कर पोंछ डाल आंसू। क्यों सोच रहा, क्यों सोच रहा, क्या सोच रहा है तू? दिल वाले दिल गिर हुआ, क्या सोच रहा है तू? हंसी खुशी और रोना धोना जग के झूठे खेल, जग के झूठे खेल। तन मन में जो बसा है, तन मन में जो बसा है सबके, बढ़ा तू उससे मेल, बढ़ा के उससे मेल। साधु मन पर पा काबू, साधु मन पर पा काबू। क्यों सोच रहा, क्यों सोच रहा, क्या सोच रहा है तू? सोच रहा तू? लाइट लाइट मोर लाइट, तमसो मा ज्योतिगमन, अंधेरे से उजाले में ले चलो।
ज्ञान दो, रोशनी दिखाओ, सच्चाई को जानने और पहचानने की शक्ति दो। साधु, खोज रहे हो? किसको? उन्हीं को जिन्हें पाने के लिए यात्री लोग युग युगांतर से इस राह पर आए हैं और आते रहेंगे। कौन है वो? जिनके गुण गाए हैं बुद्ध, शंकर, रामानुज, नानक और कबीर ने, जो भक्ति से मिलते हैं, जो प्रेम डोर से बनते हैं। खोजे चलो, खोजे चलो, मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मुझसे अब ये अपमान नहीं सहा जाता। आप घोड़े को छुट्टी दे दीजिए, फिर पहले की तरह पैदल ही चलिए। क्यों, फायदा? फायदा ना सही, शक तो दूर होगा। ओ, इसलिए? लेकिन वो सब तो झूठ है। अगर झूठ है तो मैं उससे डरती क्यों हूँ? ये डर ही तो झूठ है। तो क्या इससे कभी रिहाई ना मिलेगी? बेशक मिलेगी। उसका रास्ता? यही यही है मुक्ति का रास्ता। इसी राह चलकर अनुभव होता है कि भगवान विराजमान है सृष्टि के कण कण में। मैंने जान लिया कि उन्हें बिना जाने मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारे दुख और दर्द में वही तो एक सहारा है। तीर्थ घूमी फिरी, कितने ही मंदिरों की चौखट पर सर नवाया, कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान करे हमारी इस राह का अंत कभी ना हो। इस राह के देवता को प्रणाम किए जाते हैं, लिए जाते हैं इस पुण्य मार्ग की धूल अपने माथे पर। सफर खत्म होने को आया, अब लौट जाना होगा। नजरें मुड़ती है विशाल हिमालय की तरफ, वहीं बिखरी पड़ी है हमारी जीवन की कितनी ही अनोखी कहानियां, कितने ही दर्द भरे अफसाने। रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर मेरी झोली खाली की खाली ही रह गई। कंगाल बन अधीर होकर कहे ही जाता है, चाहिए मुझे और चाहिए, अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी। मगर मेरी झोली खाली की खाली ही रह गई। कंगाल मन अधीर होकर कहे ही जाता है, चाहिए मुझे और चाहिए, अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी। लीजिए, मुझे मालूम था आखिरकार यही होगा।
अब कुछ अच्छा लग रहा है। फिर भी लापरवाही करना मुनासिब नहीं। लीजिए। कितनी मानत की थी कि कम से कम विदाई के वक्त आपको अच्छा भला देख जाऊंगी, लेकिन मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया। ये क्या हमारे सफर की कहानी है? हाँ। क्यों, क्या किताब छपवाइएगा? छपवा भी सकता हूँ, लेकिन मेरी सब बातें आज भी आपको कहाँ मालूम है? लिख रखी, जब हम बिछुड़ रहे थे तो चीड़ और पाइन के पेड़ों पर हवा सिसक सिसक कर रो रही थी। लिख रखो, हमारे दिल का सारा दर्द इसी राह पर बिखरा हुआ पड़ा रह गया। राह की धूल के साथ मिलकर इस तरह एक हो गया कि कोई पहचान भी ना सके। उसी धूल में किसी दिन जंगल के बेजाने फूल खिल उठेंगे। कोई भक्त उन्हें अपनी डालिया में सजा कर भगवान बद्रीनाथ के चरणों तक पहुंचा दे। और अगर हो सके तो लिख रखो हमारे आखिरी दिनों की वो कहानी जो मेरे जप के माला में सुमेरु की तरह हमेशा चमकती रहेगी। तुम लोग क्या कुछ विश्वास करते हो? विश्वास है तुम्हें यह लोक में, परलोक में, पुनर्जन्म में? क्या विश्वास है तुम्हें मृत्यु को जीतने वाले लोकोत्तर प्रेम में? आती हूँ।